स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। अभी तक आपने पर्यावरण महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला 1 और 2 देख चुके हैं और ये उसी कड़ी में ये तीसरी सीरीज है और ये वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और UPTET के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो था वो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 1965, 1970, 1972, 1975। तो ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सुंदरलाल बहुगुड़ा, चंडी प्रसाद भट्ट, एमएस स्वामीनाथन, कैलाश सांखला। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। सुंदरलाल बहुगुड़ा ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 1964 में गोपेश्वर उत्तराखंड में दासोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी जो बाद में चिपको आंदोलन का मात्र संगठन बना, मतलब मदर ऑर्गेनाइजेशन बना। एम एस स्वामीनाथन के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि एम एस स्वामीनाथन इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और 1989 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर है वो आंसर डी है, ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइगर मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? कैलाश सांखला को, सुंदरलाल बहुगुड़ा को, चंडी प्रसाद भट्ट को या एम एस स्वामीनाथन को? तो कैलाश सांखला इसमें राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किस सन में प्रारंभ किया गया था? 70 में, 1973 में, 1976 में, 1980 में? तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट है, 1973 में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए 19 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर, 29 अक्टूबर। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए राइट होगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए, ऑप्शन डी जो है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें जो राइट आंसर है वो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। अब देखिए कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश का है और राजा जी वो उत्तराखंड का है, दुधवा जो है वो उत्तर प्रदेश का है, ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो मानस है, हुकोंग घाटी है, नामदफा है या नागार्जुन सागर श्रीशैलम है? यहाँ पे भी सी लिख गया है और यहाँ पे भी डी होगा। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। देखिए मानस जो है वो कहाँ है? असम है। हुकोंग घाटी जो है वो म्यांमार में है। नामदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कभी कभी डायरेक्ट पूछने क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मानस जो है वो किस राज्य में है, तो असम में है। ठीक है, आपको ये भी याद ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत कब हुई? नाइनटीन नाइन्टी टू में, नाइनटीन नाइन्टी एट में। तो इसमें जो है ऑप्शन बी होगा, 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व गज दिवस मनाया जाता है, तो विश्व गज दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 16 अगस्त। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट है, 12 अगस्त को विश्व गज दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाथी मेरे साथी की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 2009 में की गई, ऑप्शन बी 2010 में की गई, ऑप्शन सी 2011 में की गई, ऑप्शन डी 2012 में की गई। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, 2011 में हाथी मेरे साथी की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक कार्यक्रम संबंधित है,
देखिए, माइक कार्यक्रम संबंधित है वो किससे संबंधित है? शेर से संबंधित है या कछुए से या हाथी से या मोर से? तो माइक कार्यक्रम जो है वो हाथी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हाथी से। हाथियों की अवैध हत्या, हाथियों की अवैध हत्या और इनकी निगरानी के लिए, इनकी निगरानी के लिए ये कार्यक्रम, माइक कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, देखिए माइक का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉनिटोरिंग, मॉनिटोरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ठीक है, तो माइक का क्या हो गया? फुल फॉर्म मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें राइट है, माइक कार्यक्रम जो था वो हाथी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेव कार्यक्रम किससे संबंधित है? अब देखिए, सेव कार्यक्रम गिद्ध से संबंधित है, लाल पांडा से संबंधित है, कस्तूरी या मृग? हाथी से। यहाँ पे मृग हाथी, देखिए तो इसमें ऑप्शन जी है वो है आपका ऑप्शन ए, गिद्ध से संबंधित है। ठीक है, गिद्धों को बचाने के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया था। सेव का फुल फॉर्म क्या होता है? सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। ठीक है, तो आप सेव कार्यक्रम किससे संबंधित है? गिद्ध से संबंधित है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिद्धों के आकस्मिक विलुप्त होने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, शिकार कारण है या डाइक्लोफेनिक औषध है या ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, गिद्धों के विलुप्त होने का जो कारण है वो मेन कारण क्या है? डाइक्लोफेनिक औषध। इसमें ऑप्शन बी होगा। डाइक्लोफेनिक औषध जो है ये दर्द निवारक है, दर्द निवारक औषध है, ये पशुओं को दी जाती है। तो ये पशुओं को दी जाती है, पशु उसको खाते हैं जिससे उनकी मृत हो जाती है, फिर उन पशुओं को, मृत पशुओं को गिद्ध खाते हैं तो ये गिद्धों में भी बीमारी हो जाती है जिससे उनकी मृत हो जाती है। ठीक है, तो इसमें विलुप्त होने का, गिद्धों के विलुप्त होने का कारण क्या है? डाइक्लोफेनिक औषध है। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? कैट बियर के नाम से जाना जाता है, रेड टाइगर के नाम से जाना जाता है, रेड मंकी के नाम से या स्मॉल लायन के नाम से? स्मॉल लायन। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए, कैट बियर के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगल में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग में पाया जाता है। यह शाकाहारी जीव होता है, बांस, बांध नहीं, यहाँ पे बांस होना चाहिए, बांस के पत्ते खाता है, बांस के झुरमुट में ही ये निवास करता है। ओके, तो ये लाल पांडा के विषय में थोड़ी सी जानकारी है। ओके, तो लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? कैडबियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए गैंडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1981 में, 1983 में, 1985 में या 1987 में? तो ऑप्शन डी जो है वो 1987 में गैंडा के संरक्षण के लिए गैंडा परियोजना प्रारंभ की गई थी। देखिए, असम में जो मानस अभ्यारण्य है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तथा पश्चिम बंगाल में जल्दपारा है अभ्यारण्य, तो ये गैंडे के प्रमुख शरणस्थली हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये कभी कभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलिव रिडले प्रजाति है, डॉल्फिन की प्रजाति है, गैंडा की प्रजाति है, समुद्री कछुआ की या गिद्ध की? तो ओलिव रिडले जो प्रजाति है वो आपकी समुद्री कछुआ की प्रजाति है। ऑप्शन सी इसमें जो है वो राइट होगा। अब ये सीरीज प्रश्नों की यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ओके, तब तक के लिए थैंक्स।